हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू मास्टर मेकर टेक। ये केक का प्रीमिक्स मिक्सचर है, ये गुडरिच का है और ये एक लज भी है। वेनिला फ्लेवर का है, इसलिए हम इसे वेनिला फ्लेवर का केक बनाने वाले हैं। और इस पर सब इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ये एक किलो का है, वेट वगैरह पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। प्राइस है 220 रुपये, और कितना लेना है क्या रहा है ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें से हम लेंगे 2 कटोरी मिक्सचर। अब इसको हम काट लेंगे और एक कटोरी से हम 2 कटोरी लेंगे। इसका मेजरमेंट करना है हमें, 2 कटोरी लेना है। ये हमने टोटल 125 ग्राम मिक्सचर लिया है, प्रीमिक्स केक मिक्सचर। अब इसको एक साथ डाल देंगे एक बड़े से बाउल में। ये 125 ग्राम मिक्सचर है। अब इसमें हम ऑयल और पानी मेजरमेंट के हिसाब से डालेंगे। कढ़ाई गैस पर रख दी, अच्छे से गर्म हो गई है। अब इस पर ऐसे पैन रख दिया है छोटा वाला। अब इसको हम ढक देंगे। इस तरह से गर्म है। उसके बाद अब जिस बर्तन में हम केक बनाने वाले हैं उसी को हम तेल से ग्रीस कर लेंगे, या बटर से, या घी से भी कर सकते हो। अब इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा मैदा। मैदे से डस्टिंग करेंगे इसकी और इस तरह से लगा लेंगे पूरी तरह। तेल ऊपर तक लगाना है बर्तन के और इस तरह से डस्टिंग करनी है। पूरी तरह से डस्टिंग कर लिए ऊपर तक। अब इसको रख देंगे बाजू में। अभी हमने जो प्रीमिक्स निकाला था 125 ग्राम है ये, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे हम मेजरमेंट के हिसाब से 70 ग्राम वाटर डालना है। और उससे पहले हमें डालना है 6 ग्राम ऑयल, ये अनफ्लेवर ऑयल है, इसे डाल देंगे। इसमें सिर्फ ऑयल ही डालना है, बाकी कुछ नहीं डालना है। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा इस तरह से बैटर हो गया है। अगर पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगे तो आप डाल सकते हो। अब इसको डाल देंगे हम केक के बर्तन में। अच्छे से टैप करके लेंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है। अब इसमें रख देंगे हम आराम से केक का बर्तन। और इसको ढक देंगे। अब इसे रखना है लो टू मीडियम फ्लेम पर 25 मिनट्स तक या 20 मिनट तक। 30 मिनट्स बाद इसे खोलकर देखेंगे। ये देखो अच्छे से बेक हुआ कि नहीं हम देख लेंगे। बिल्कुल क्लीन निकली है, बीच में से भी देख लेंगे। हमारा केक बनके तैयार हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे। अब इसे आराम से बाहर निकालेंगे केक के बर्तन को। अगर आपको इसे जल्दी ठंडा करना है तो इसके नीचे आप गीला कपड़ा रख सकते हो, जैसे मैंने रखा है। पूरा गीला करके लेना है, एक आधा टॉवेल या नैपकिन। अब इसको साइड से निकाल लेंगे कॉर्नर। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसे कॉर्नर से ऐसे निकाल लेंगे आराम से। अब इस पर रख देंगे एक प्लेट और इसको पलट देंगे। देखो अच्छे से बन गया है। ये देखो बहुत ही स्पंजी बना है,
अब इसे दबा कर देखेंगे। अब इसको पलट देंगे। ये देखो बहुत ही स्पंजी बना है, आप इसे पास से भी देख सकते हो, बिल्कुल ब्रेड के जैसे बना है बिल्कुल। ये देखो वापस से बिल्कुल फूल रहा है। अब इसको हम फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये टोपोलाइट का भी क्रीम है, इसे हम खोलेंगे। अब इस तरीके से खोलना है ताकि बाद में पैक करके रख सकेंगे हम। अब इसको थोड़ा सा बीच में से काटना है। अब इस तरीके से ऐसे निकालना है। अब निकालेंगे एक बाउल में से, इसमें से हम लेंगे एक कटोरी भर के व्हीप क्रीम लेंगे। इसे रख देंगे बाजू में, जो हमने पैक खोला था व्हीप क्रीम का, इसको ऐसे ऊपर से पैक करके रख देंगे। या रबर से करेंगे या कोई भी स्टिक लगा के इसे पैक करेंगे। व्हीप क्रीम को बीट करने से पहले उसके नीचे रख देंगे हम बर्फ। थोड़ा सा बर्फ लेना है एक बड़े से कटोरे में और उस पर रखकर व्हीप करना है हमें। अभी हम हैंड मिक्सी से व्हीप करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे कर सकते हो, इससे थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम आसानी से नहीं होगा। 15 मिनट बाद हमारी ये व्हीप क्रीम बनके तैयार हो गई है। अब इसे पाइपिंग बैग में भरेंगे। हमने केक को 2 हिस्सों में काट लिया है। ये देखो बहुत ही स्पंजी दिख रहा है दिखने में। अब इस पर हम लगाएंगे शुगर सिरप। इस पर हम लगाएंगे शुगर सिरप, जो हमने आधे कप पानी में 2 चम्मच शुगर डाल के इसको अच्छे से मेल्ट किया है शुगर को। अब इस पर बहुत सारा डाल देंगे, यानी हमारा केक इससे स्पंजी हो जाएगा, एकदम एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अब इस पर हम डालेंगे व्हीप क्रीम। अब इसको अच्छे से फैलाएंगे। यह हमारी दूसरी लेयर है। अब इसे पलट कर रखेंगे उल्टी साइड से, इस पर रख देंगे। अब दूसरी लेयर पर भी हम डाल देंगे शुगर सिरप। अच्छे से डालना है इसे। पूरी तरह से हमने शुगर सिरप डाल दिया है। अब इस पर डालेंगे व्हीप क्रीम। अब इसको अच्छे से लगा लेंगे प्लेन बिल्कुल। कुछ जेल है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। एक चम्मच निकालेंगे हम इसमें से। इस टाइप होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। इसको हमें थोड़ा सा पानी डाल के पतला करना है, बिल्कुल सादा पानी डालना है। अब इसमें डाल देना है कलर, जो आपको कलर अच्छा लगे वो डाल देना है।
चलो इसमें डालने के लिए जेल कलर ही लेना है। अब इसमें हम जेल कलर डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक थोड़ा सा गाढ़ा है, इसे और थोड़ा सा पतला कर लेंगे। इसमें बिल्कुल आधा चम्मच पानी डाल देंगे, थोड़ा सा बिल्कुल पहले। इसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे इस टाइप का बनाना है जैसे केक में आसानी से फैल जाए, थोड़ा सा और भी गाढ़ा है और थोड़ा सा पतला करेंगे। और इसमें आधा चम्मच पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तेल को हम पाइपिंग बैग में भरेंगे। इसको थोड़ा सा कॉर्नर से कट करेंगे एकदम बारीक। अब ऐसे डाल देंगे हम आराम से। अब इसको आराम से इसे आराम से इसे स्प्रेड करेंगे। इसे काट कर देखेंगे, बहुत ही स्मूथ बना है, बहुत ही स्पंजी बना है। इसको इसे आराम से निकालेंगे। एकदम सॉफ्ट बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।